आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एकदम क्रिस्पी पिज़्ज़ा पॉकेट। पिज़्ज़ा पॉकेट बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। इसमें कई चीज़ों का आपको फ्लेवर नज़र आएगा, जैसे पिज़्ज़े का या फिर समोसे का, कचौरी का, कई चीज़ों का फ्लेवर नज़र आएगा और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी भी होती हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इन्हें। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिज़्ज़ा पॉकेट बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है, आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ बेकिंग सोडा लिया है, स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डाल लेंगे, 4 से 5 बड़े चम्मच मैंने यहाँ घी लिया है, आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से मसल लेंगे, हम मोइन लगा लेंगे, जैसे मोइन डालते हैं हम पूरी में या फिर समोसे की परत बनाते हैं उसमें, तो इसे अच्छे से मसल कर हम मोइन अच्छे से डाल लेंगे इसमें और मुट्ठी में होल्ड करके देख लेंगे आटे को। अगर होल्ड हो रहा है तो ये लगकर तैयार है, अगर होल्ड नहीं हो रहा है तो 1 चम्मच आप घी और डाल लीजिए। तो ये अच्छे से होल्ड हो रहा है, अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल लेंगे और हम आटा लगा लेंगे, जैसे हम समोसे के लिए आटा लगाते हैं एकदम ऐसे सख्त आटा लगाएंगे, सॉफ्ट आटा बिल्कुल नहीं लगाना है। अब 1 से 2 चम्मच हम तेल और डाल लेंगे इसमें और अच्छे से मसल कर इसे चिकना कर लेंगे और 20 से 25 मिनट के लिए इसे ढक कर हम रख देंगे ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। अब एक पैन लेंगे, उसमें 2 चम्मच मैंने बटर डाल लिया है, आप चाहे तो घी या तेल का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। बटर को पिघलने देंगे, बटर अच्छे से पिघल गया है, अब 1 चम्मच हम बारीक कटा हुआ लहसुन डाल लेंगे और लहसुन को अच्छे से हम भून लेते हैं 1 से 2 मिनट के लिए और गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। एक मैंने यहाँ बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, प्याज को बिल्कुल अच्छे से भूनना है, प्याज अच्छे से भून लिया है। अब मैंने कुछ यहाँ वेजिटेबल्स ली हैं, तो हरी वाली शिमला मिर्च, लाल वाली, पीले वाली शिमला मिर्च ली है, बारीक कटी हुई गाजर ली हैं और कुछ स्वीट कॉर्न लिए हैं। जो भी सब्जियाँ हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्कुल बारीक कट कर लेंगे और इन्हें भून लेंगे। 2 मिनट के लिए हमें भूनना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी, हल्का सा इसमें क्रिस्पीनेस रहनी चाहिए। तो वेजिटेबल को मैंने अच्छे से भून लिया है 2 मिनट के लिए, अब हम इसमें नमक डाल लेते हैं, तो स्वाद अनुसार नमक या आधी छोटी चम्मच नमक डाल लेंगे, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, आधी छोटी चम्मच ऑरेगानो डाल लेंगे या मिक्स हर्ब भी आप डाल सकते हैं, आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ पिज़्ज़ा सीजनिंग ली है, तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पिज़्ज़ा सॉस लिया है। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले शेयर की है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं कि पिज़्ज़ा सॉस कैसे बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और कुछ डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है, स्टफिंग बनकर तैयार है। देखिए इसे हम ठंडा कर लेते हैं और तब तक हम आटे को चेक कर लेते हैं, तो आटा भी यहाँ अच्छे से सेट हो गया है। 1 से 2 मिनट हम इसे मसल कर अच्छे से चिकना कर लेंगे, देखिए इसमें एक भी क्रैक्स नहीं है, अच्छे से चिकना हो गया है ये। अब इसमें से हम इसके 2 भाग कर लेंगे क्योंकि बड़ी बड़ी लोइयाँ हम तोड़ लेंगे, पॉकेट बनानी है तो उसके लिए बड़ी सी रोटी हम बेल लेते हैं। तो थोड़ा सा सूखा मैदा हम डाल लेंगे और इसे अच्छे से बेल लेंगे, बिल्कुल ऐसे बेलना है जैसे समोसे के लिए हम परत बनाते हैं, इतना मोटा ही रखना है, ज़्यादा मोटा या पतला बिल्कुल नहीं करना है। तो मैंने बड़ी सी रोटी बेल ली है, यहाँ देखिए मैं इसकी मोटाई दिखा रही हूँ आपको कितनी रखनी है, देखिए जितनी हम समोसे के लिए रखते हैं एकदम ऐसी रखनी है। अब इसे हम कट कर लेते हैं स्क्वायर में, हम इसे स्क्वायर में या रेक्टेंगल में जैसे आप चाहें इसे कट कर सकते हैं, तो किनारे हम हटा देते हैं इसे कट करके अच्छे से, देखिए मैंने कट कर लिया है। अब इसको हम बराबर भागों में कट कर लेंगे और पॉकेट हम बना रहे हैं तो हल्का सा हम रेक्टेंगल शेप इसकी रखेंगे। तो ये जो बाकी बच गया इसे हटा लेते हैं और ऐसे ही हम सारी परतें बनाकर तैयार कर लेते हैं, देखिए बिल्कुल ऐसे शीट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब स्टफिंग जो हमने बनाई थी वो अच्छे से ठंडी हो गई है,
अब इसमें हम चीज़ डाल लेते हैं। तो ये मैंने अमूल चीज़ लिया है, करीब करीब 50 ग्राम हम चीज़ इसमें डाल लेते हैं अच्छे से ग्रेट करके, और इसे अच्छे से मिला देंगे। गर्म नहीं रखनी है, ठंडा होने के बाद ही हम चीज़ इसमें डालेंगे। तो ये बनकर तैयार है। अब एक शीट लेंगे हम और इसमें 1 से 2 चम्मच हम स्टफिंग रख देंगे। ज़्यादा स्टफिंग नहीं रखनी है, नहीं तो जब हम फ्राई करेंगे इन्हें तो ये फट जाएंगे। तो इन्हें अच्छे से सेट कर लेते हैं और किनारों पर हम पानी लगा देंगे अच्छे से। किनारों पर अच्छे से पानी लगाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अच्छे से सील करने हैं। अब एक और परत लेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे अच्छे से, और किनारों से अच्छे से इसे ऐसे प्रेस करते हुए दबा देंगे ताकि अच्छे से सील हो जाएं। अब एक फोक लेंगे और फोक की सहायता से, यानी कि काटे वाला चम्मच, उसकी सहायता से हम इसके किनारों पर ऐसे दबाते हुए प्रेस करते हुए अच्छे से इसको सील कर देंगे। इससे डिज़ाइन भी बन जाएगा और ये अच्छे से बंद भी हो जाएंगी, ताकि जब हम इन्हें फ्राई करें तो ये खुलेंगी नहीं। तो दोनों साइड से ऐसे ही हम किनारों पर फोक की सहायता से ऐसे डिज़ाइन बना देंगे। दोनों तरफ से बनाना है, जिसे देखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी और ये अच्छे से सील भी हो जाएंगी। तो ऐसे ही हम साड़ी बनाकर तैयार कर लेते हैं, देखिए बिल्कुल ऐसे। सारे ही पिज़्ज़ा पॉकेट बनाकर मैंने तैयार कर ली हैं। अब हम इन्हें 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ढककर हम रख देंगे। अब फ्राई करेंगे हम। फ्राई करने के लिए तेल अच्छे से गर्म कर लिया है। थोड़ा सा हम डो इसमें डालकर देख लेंगे। देखिए थोड़े थोड़े इसमें बबल्स बन रहे हैं, तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तेल हाई फ्लेम पर गर्म नहीं करना है, मीडियम ही रखना है, मीडियम टू लो ही रखना है। जैसे समोसे के लिए हम तेल को गर्म करते हैं एकदम वैसे ही। तो पिज़्ज़ा पॉकेट हम डाल लेते हैं, जितनी कढ़ाई में आराम से आ जाएं उतनी पिज़्ज़ा पॉकेट आप डाल लीजिए। और एकदम डालने के बाद तुरंत टच नहीं करना है, हल्का सा ही तैर के ऊपर आने दीजिए। तभी ऊपर आ गई है तैर की। तो इसके ऊपर ऐसे तेल डाल लेंगे हम और पलट पलट कर इन्हें अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक, अच्छा क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे, जैसे समोसे को हम फ्राई कर लेते हैं। इन्हें एक बार में फ्राई करने में करीब करीब 6 से 7 मिनट आराम से लग जाएंगी। ये बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है, ये अच्छे से क्रिस्पी हो गई हैं। तो इन्हें निकाल लेते हैं एक टिश्यू पेपर पर, और जो पिज़्ज़ा पॉकेट बच गई हैं उन्हें भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। देखिए आप कलर देख पा रहे होंगे, बहुत ही प्यारा इसमें कलर आया है। और भी पिज़्ज़ा पॉकेट हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। अगर तेल ज़्यादा गर्म हो जाए तो आप एक बार 1 से 2 मिनट के लिए गैस को बंद कर दीजिए। तो ये लीजिए, सारे ही पिज़्ज़ा पॉकेट मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट, और कई चीज़ों का फ्लेवर, पिज़्ज़े का फ्लेवर। जब भी आपका पिज़्ज़ा खाने का मन हो तो आप ये पॉकेट बना सकती हैं। इसमें पिज़्ज़े का फ्लेवर, समोसे का फ्लेवर, कचौरी का, हर चीज़ का फ्लेवर है। आप चाहें तो इन्हें कभी भी बना सकते हैं, हल्का फुल्का। जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन हो तो आप इसे बना सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो ढेर सारी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे फैमिली में, फ्रेंड में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।